दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पांवटा साहिब। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में राजनीतिक दशा बिगाड़ कर रख दी है। नरेंद्र मोदी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर जिस भाषा में हमला बोल रहे हैं वह एक सभ्य समाज में ठीक नहीं है। वीरभद्र सिंह सुंदरनगर के ऐतिहासिक जवाहर पार्क में न्याय रैली को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से कई नामी प्रधानमंत्रियों के साथ काफी नजदीकी से काम करने का उन्हें अवसर मिला है। अगर भाषा में शालीनता हो तो कड़वी बात भी हजम हो जाती है और कड़वी बात को संयम में रहकर भी कहा जा सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी कुल्हाड़ी मारकर सिर काटना चाहते हैं। मोदी भांप चुके हैं कि शायद इस दौर का ये उनका आखिरी चुनाव है और ये डर उनके दिमाग में घर कर गया है। बीजेपी वाले भी जानते हैं कि जो जनता चाहेगी वही होगा और जो होगा वही मंजूरे खुदा होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जयराम पीएम की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे जयराम को सभ्य आदमी समझते थे, लेकिन जयराम ठाकुर छुपर स्तंभ निकले। भाषण और जो आज हमारे देश के अंदर राजनीति की जो दशा है, खासकर जो हमला इस तरह से कांग्रेस के ऊपर मोदी साहब कर रहे हैं और जिस भाषा में कर रहे हैं, वो समझता हूँ किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। मुझे भी पंडित नेहरू से लेकर आज तक के प्रधानमंत्री जो हुए हैं उनको नज़दीक से जानने का मौका मिला है, मगर पहले पंडित नेहरू थे और लाल बहादुर शास्त्री थे और इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी जी थी, वो सब शालीनता से बात करते थे। कड़वी से कड़वी बात भी शालीन भाषा में की जा सकती है, मगर मोदी जी का तरीका भाषण देने का कुछ और है। वो पहले ही कुल्हाड़ा लेके सिर काटना चाहते हैं। ये जो था जो भाषण होते हैं वो तर्क के साथ होते हैं और तर्क का जो जवाब दिया जाता है, मगर बेहुदा बातें कहना जो किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता, खासकर वो उस वक्त व्यक्ति को जो कि हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का पद बहुत ऊंचा होता है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर ठाकुर के साथ जितेंद्र राणा की रिपोर्ट। हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का पिछले 25 वर्षों से अपनी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा व बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्थान में जीएनएम नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, बीडीएस, एमडीएस के साथ साथ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। डॉक्टर गौरव गुप्ता ने बताया कि निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा व सेवाओं में ग्रुप बेहतरीन कार्य कर रहा है। यहां से नर्सिंग व फार्मकेयर की शिक्षा प्राप्त कर छात्र छात्राएं प्रदेश व पड़ोसी राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। संस्थान द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रशिक्षित फैकल्टी उपलब्ध है। इसके साथ साथ संस्थान पांवटा साहिब में चैरिटेबल अस्पताल भी चला रहा है। संस्थान भविष्य में भी बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा पर सेवाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।